हेलो गाइस, वेलकम टू रिव्यू। आज मैं आपके लिए क्यू चेयरिंग का एक दूसरा मॉडल, पहली वाली वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने एक सेकंड मॉडल क्यू चेयरिंग का लाया था। ये उससे थोड़ा सा प्रीमियम मॉडल है, ये भी क्यू चेयरिंग का मॉडल है। ये थोड़े से बड़े बॉक्स में आता है और इसकी थोड़ी क्वालिटी उससे प्रीमियम है। इसको मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ। अनबॉक्स कर देते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी 550 वोल्ट की ही मोटर है। अब ऊपर देख सकते हैं, इसमें भी मैनुअल आता है पहले क्यू चेयरिंग का। सारे एरर कोड्स दिखाए हुए हैं और एक कनेक्टिंग रॉड। कुछ नहीं के लिए कवर है ताकि मोटर को दिक्कत ना। ये इसका पीसीबी बॉक्स है। ये मोटर थ्री पीस में आती है, एक कंट्रोल बॉक्स, एक इसका पैडल और नीचे मेन सर्वो मोटर। तीन पीस में मोटर आती है और एक नीचे एक प्लास्टिक बेस, बेल्ट कवर और कुछ मोटर फिटिंग्स। ये मटेरियल इसके अंदर आता है। मैं आपको एक बार इसको ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम सर्वो मोटर को कंट्रोल बॉक्स से कनेक्ट कर देते हैं। और अपने पैडल को भी कंट्रोल बॉक्स से कनेक्ट कर देते हैं। दोनों कनेक्शन मैंने लगा दिए हैं, देख सकते हैं। और यही कंट्रोल बॉक्स का पावर केबल है, इसको मैं पावर में लगा देता हूँ। आप ये मोटर भी परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए परचेजिंग लिंक से, या फिर स्क्रीन पे आ रहे फोन नंबर पे जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे जाके। मैं इसकी पावर कनेक्ट कर दिया, बेसिकली डिस्प्ले में पावर आ गई है। अब मैं इसके क्लच को प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं सर्वो मोटर चल रही है। बाकी इसका कंट्रोलिंग का, स्पीड कम ज्यादा करने का और रोटेशन चेंज भी हो जाता है इस मोटर में, उसके मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको डाल दूंगा कि इसकी स्पीड कम ज्यादा कैसे करनी है और इसकी रोटेशन कैसे चेंज करनी है। बाकी परचेजिंग लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहां जाके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।